तो भाई अब बारिश यहाँ पे आ रहा है, हम लोग यहाँ से निकलने वाले तो ऊपर की तरफ जाएंगे और अभी बहुत सुबह 2:30 और ऊपर में जाके कुछ खाएंगे और उसके बाद इवनिंग वॉक मालूम नहीं रहता है खुद की, और हम यहाँ से निकलने वाले तो ऐसा करके अपने जाओ बारिश बहुत ज्यादा आ गया है। क्या मारा भीग गएगा बोलिए उनको, वैसे इसको साथ बना लिया इसलिए भीग बना रहे ना। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, तो ऐसा वाला जो अच्छा वाला कार्डमम का जो फल देता है बहुत ज्यादा रहता है, जो ऐसा वाला जो दाना बोलता है ये 25-30 पीस रहता है। यहाँ पे देखिए भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे तो 4-3 लगा हुआ है, तो ऐसा करके फल देता है ना। Hey guys, welcome back to A Village Life. सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी तेज दिल से शुक्रिया Village Boy और वो Village Life की तरफ से। तो भाई बिल्कुल आप देख रहे होगा मेरा मज़ेदार सर पे कैप और नीचे में थोड़ा मज़ेदार रेनकोट, तो भाई ऐसा चल रहा है अभी मेरा लाइफ। तो बिल्कुल ही भाई 4 days हो गए हैं हमारा गांव और Village में इतना ज़्यादा बारिश आ रहा है, इसके वजह से मेरा वीडियो भी ऑलमोस्ट नहीं बन ना रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी लाइट जाता है तो कभी कभी बारिश आने की वजह से मेरा डीजे शूट नहीं हो पा रहा है, और लाइट नहीं होने से मालूम है कैमरा में बैटरी ऑलमोस्ट डेड ही रहता है। तो भाई बिल्कुल ही मज़ेदार आज आप लोगों को थोड़ा दिखा लूँ बोल के मैं थोड़ा मौसम सुहाना बन गया था, इसके वजह से कैमरा लेके आया था घर से। तो भाई आज भी बिल्कुल ही आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश आ रहा है भाई, अभी अभी भी बारिश ही पड़ रहे हैं, उसके वजह से मेरा वीडियो ऑलमोस्ट ही मैंने 4 days में बहुत बार ट्राई किया आप लोगों को थोड़ा शेयर कर दूँ हम लोग क्या क्या करते हैं बोल के, तो भाई बिल्कुल ही आपको वो दिख नहीं पाया। तो भाई अभी हमारा यहाँ पे हो रहा है राइस का सीज़न हो रहा है अभी यहाँ पे, तो बिल्कुल ही वो सभी आपको देखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश के वजह से आप लोग को मालूम है मेरा कैमरा में जो भीग जाने के वजह से मैं नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से भाई मेरा Village Boy का वीडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है आपके सामने। तो भाई ऐसा करके मैंने रख दिया यहाँ पे सर पे कैप, और यहाँ पे रख दिया मैंने मेरा रेनकोट, और यहाँ पे चेंज कर दिया मेरा शू। अब बनाना है मज़ेदार चाय, टक टक करके मैंने सर पे कैप निकल लिया और रेनकोट भी निकल लिया। तो क्या ही बोलूँ बाहर की तरफ दिखा तो बारिश इतना ज़्यादा आ रहा है, क्या करूँ भाई अभी यही चाय बना के खाना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैं चाय थोड़ा टक टक करके बना रहा हूँ यहाँ। तो भाई मैंने लगा लिया ऐसा वाला मज़ेदार कैप क्योंकि ये कैप बहुत ज़रूरी रहता है यहाँ पे, तो इसके वजह से हम लोग का थोड़ा ये हेट है ना सेफ्टी रहता है, तो भीग नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ही भाई ऐसा करके क्या मज़ेदार बनाता है यहाँ पे। तो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ कार्डमम का पेड़ के पास, और आज हमारा घर में खेताला बोलता है, खेताला भी लेबर है, और लेबर के साथ जाके आज मज़ेदार काम करने का मौका मिलता है। तो भाई क्या ही बोलूँ ऐसा खूबसूरत लाइफ रहता है Village में डेली का लाइफ। तो भाई मैं अभी अभी पहुँच चुका हूँ नीचे की तरह, भाई थोड़ा आप लोग को वही है बात अच्छा लगेगा थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर ही करने से मेरा वीडियो दूसरा जगह भी पहुंच जाएगा, क्योंकि रियल Village Life देखने के लिए मौका मिलता है ना, तो ऐसे ही बोलूं। तो भाई आज बिल्कुल ही कार्डमम का सीज़न आ चुका है, और कार्डमम का जो नीचे में हम लोग उसका पेड़ को कट करता है, और कैसा वाला पेड़ को कट करता है वो आप सभी को दिखाऊँगा, तो आप सभी हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो भाई ऐसा रहता है कार्डमम का अभी का पेड़, जो अभी इसको साफ करना पड़ता है, तो बिल्कुल ही ऐसा रहता है कार्डमम जो हम लोग खेती करते हैं, और इसको साफ करना पड़ेगा। तो किन किन चीज़ आज साफ करना पड़ेगा वो बिल्कुल ही आप सभी को दिखाऊंगा मैं। तो भाई सभी ने यहाँ पे छोड़ के गया है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पे ये छोड़ के जा रहा हूँ ये, और कैमरा लगाने के मैं थोड़ा सा कैरी बैग इसको तो लेके जाना पड़ेगा। तो भाई अभी इस सीज़न में कार्डमम ऑलमोस्ट ऐसा करके रहता है, तो और इसका नीचे में देखना पड़ेगा इसका जो फल बोलता है ना, फला हुआ नहीं फला हुआ, और उसको साफ करना पड़ता है अभी इस सीज़न में। तो बिल्कुल ही आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी चीज़ आप लोग सभी को एक्सप्लोर करता हूँ ना। तो भाई आज साफ करना पड़ेगा जो कार्डमम का ऐसा वाला बुड्ढा वाला पेड़ रहता है, आपको दिखाऊँगा मैं इस सीज़न में ऐसा वाला बुड्ढा वाला पेड़ को सभी को कट करते हैं हम लोग ऐसा करके, और साफ करता है जो लास्ट टाइम का सभी बुड्ढा पेड़ है उसको ऐसा करके साफ करके हम लोग क्लीन करते करते हम लोग जाएंगे। इसके नीचे में बहुत अच्छे करके साफ किया हुआ है, तो ऐसे करके साफ करना पड़ता है, नहीं तो वो स्क्वायरल जो लोग बोलता है और जो चूहा
रैट आखिर इसको बहुत ज़्यादा खाता है, इसके वजह से हम लोग इसके नीचे में बहुत अच्छे तरीके साफ करके रखना पड़ता है इस टाइम में और इस सीज़न में बोलूँ तो। ऐसा करके हम लोग कार्डामम के लिए बहुत अच्छे से इसको देखभाल करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लगा हुआ है, तो ऐसा वाला जो अच्छा वाला कार्डामम का जो फल देता है बहुत ज़्यादा रहता है, जो ऐसा वाला जो दाना बोलता है ये एक ठो में 25-30 पीस रहता है। यहाँ पे देखिए भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे तो 4 ठो और 3 ठो लगा हुआ है, तो ऐसा करके फल देता है ना, फल फलता है। तो भाई ये बहुत अच्छे करके नहीं हुआ है इस बार, जो अच्छे वाला देखता है तो भाई इसको जो अनारस बोलता है, अनारस और दूसरा क्या बोलूँ उसको पाइन एप्पल की तरह रहता है, यहाँ पे जो इसका फल ऐसा बड़ा बड़ा रहता है, तो बिल्कुल ये नहीं हुआ है अच्छे करके। तो भाई यहाँ पे भी देखिए इतना अच्छे करके नहीं हुआ है, कभी ये सभी सूख गया है, ये सभी नहीं हुआ है और यहाँ पे हो गया है, थोड़ा थोड़ा करके हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादातर तो सूख गया है, फल कम दे रहा है क्योंकि ऐसा होता है ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो भाई ये साफ किया हुआ आया हुआ है, देख रहे हो नीचे से साफ करके करके हम लोग ऊपर की तरफ पहुँच चुका है। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो बारूला इसे बहुत ज़्यादा काटता है। तो भाई यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुका है और आम लोग का काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म, तो भाई अब ग्रास लेके जाना है नीचे की। तो भाई बिल्कुल ही ऐसा करके मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ही कार्डामम का थोड़ा ऊपर की तरह हम लोग ख़त्म करके आए हुए और नीचे में है मेरा ग्रास का भारी, तो भैया मिला रहे हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल ही मैं प्लास्टिक ऐसा करके बना रहा हूँ वीडियो, तो मज़ेदार आगे का एक ठो ये प्लास्टिक का भी मज़ेदार मन रहे ना। तो भाई मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, बारिश बहुत बड़ा आ चुका है, हम मेरा काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे है एक ठो भारी ग्रास का और नीचे है मेरा भारी ये सभी कुछ, तो सबसे पहले मैं इसको उठाऊँ। तो भाई अब बारिश यहाँ पे आ रहा है और हम लोग यहाँ से निकलने वाला है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे और अभी बज चुका है 2:30 और ऊपर में जाके कुछ खाएँगे और उसके बाद इवनिंग वॉक मालूम ही रहता है। तो बिल्कुल ही अब हम यहाँ से निकलने वाला है, तो ऐसा करके मैं कैप पहन रहा हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा आ गया है, कैमरा भीग जाएगा बोल के मैंने थोड़ा सा इसको छत बना लिया, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ना। फाइनली पहुँच चुका है मेरा गोटेरी खान के पास, तो बिल्कुल यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे बन रहा है कुछ मज़ेदार सा 2 बजे का टिफिन, तो यहाँ पे बना रहा है। तो भाई ऐसा रहता है जो विदेश में हम किसान का काम रोज़ का ऐसा रहता है। तो भाई अब सबसे पहले मैं कपड़ा चेंज करूँगा, बिल्कुल ये सभी भीग गया है यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे सूखा वाला कपड़ा ऐसा है, कपड़ा सभी यहाँ पे देखे सभी यहाँ पे सुखाया हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश कंटिन्यू आ रहा था इसलिए कुछ भी कपड़ा यहाँ पे सूख ही नहीं पड़े। तो भाई ये हम लोग चारों ओर से कपड़ा सुखा रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं। तो भाई अभी अभी हमने खा के ख़त्म किया है दोपहर का टिफिन। तो भाई ऐसा रहता है विलेज लाइफ, तो बिल्कुल ही मैं आपको सभी को दिखाता हूँ क्या क्या सीज़न में क्या क्या करते हैं। तो आज के लिए ये वीडियो भी हमने ख़त्म, इसी तरह विलेज लाइफ देखने के लिए और वही विलेज लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।